देख लो, इनके साथ आपका मुलाकात शायद नहीं हुआ था। पहली बार मैं आपको दिखा रही हूँ इनको। ये मैंने अपने बर्थडे में ख़रीदा था, तो ये पहला पीस लिली है घर पे। कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था कल रात को, आज सुबह उठ के इनका आकार कुछ इस तरह का है। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 30 अगस्त, 30 और 31 राखी है। पंचांग के अनुसार 31 को, मतलब कल ही राखी मनाऊंगी, तो आज वैसा कुछ प्लान तो नहीं है। तो अभी बैठी हुई थी, सोचा अभी से ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। जस्ट अभी आनु स्कूल से आई है और अभी बाथरूम में है, नहा रही है, फ्रेश हो रही है मैडम। जैसे ये पेड़ पौधे ना बहुत नाजुक होती है, जब भी मुझे लगता है कि मैं खुद बार बार देख रही हूँ, मुझे लगता है नज़र लग गया तो बेचारे कैसे मायूस सी हो जाती है, मुझे लगता है। ऐसा तो होना चाहिए नहीं है। जो लोग गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग में इतना ज़्यादा ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनका तो कुछ नहीं होता भाई, अपना अपना वो है, मीत है। इसलिए मैं ना खुद देखना चाहती हूँ ना आपको भी दिखाना चाहती हूँ। चलो जैसे है परे रहने दो, अच्छा है तो बहुत अच्छा, अच्छा नहीं रहा तो बहुत दुख होता है। ये आज का कोटा देखो, इधर है, इधर है। अच्छा क्यों बोल रही थी मैं, उस दिन मैं दिखा रही थी ना आपको, तो आज देखो पत्ते कैसे ऐसे मुरझा गए। इधर भी धूप भी बहुत ज़्यादा आती है। इधर आयरन इधर ही रख दिया मैंने, एक के बाद एक आयरन कर रही हूँ और इधर उधर रख रही हूँ। ये देखो इंतज़ार में है कल के लिए। बाहर देखो कैसे क्लाउड हो गया है आज, एक रह गया लास्ट। एवरी डे अर्ली मॉर्निंग नींद से उठ के हम किचन में आ जाते हैं, खाना बनाते हैं, टिफ़िन का प्रिपरेशन करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेजते हैं। तो कभी कभी लगता है ना कि आज सुबह सुबह अच्छा नहीं लग रहा है कुछ बनाने को, तो उस टाइम पे ना आप ऐसे एकदम बिना झंझट के सूजी बना के दे सकते हो बच्चों को। आहना इतना चाह से खाती है और उसको पता ही नहीं, उसके पीछे रीज़न तो ये है कि आज मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था। लंच के लिए भी मैंने आज रोटी पैक नहीं किया, जो सिंपल लगा मुझे वही बनाया। और इसके साथ में है राइस और दाल, दाल चावल, सिंपल भाषा में दाल चावल, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सॉल्टेड सूजी, बस नोनता सूजी हम इसको बोलते हैं। तो चलो हो गया। बैक ऑफ द कैमरा मेरे किचन में क्या चलता है वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी और सुबह सुबह यहाँ का हालत कुछ ऐसा है, ऐसा बिखर जाता है। सो बाद में इसको समेटना है। बजा है 7:15, ये 5 मिनट फास्ट है। धूप देखो इतनी सुबह सुबह, सुबह की धूप। कल इसको घर से बाहर लेके आई और धूप में रख दिया ताकि सुबह की धूप इसके ऊपर पड़े। ये इतने बड़े से पॉट में रहता है ना, अंदर छुपा हुआ रहता है और इसका जो मिट्टी है वो गीला रहता है, तो आज इसको धूप मिलेगा अच्छा खासा। इसके अंदर थोड़ा सा मिठाई है और ये स्पून। चलो इसका टिफिन पैक कर देते हैं। भयंकर चीज़ दिखाती हूँ, देखो जूते का हालत देखो, स्कूल शूज़ का। हाँ तो अभी स्कूल में स्पोर्ट्स डे की तैयारी चल रही है, इसलिए लगभग रोज़ ही जूते ऐसे ही घर आते हैं और मैं उसको पॉलिश करके रखती हूँ। तो आज आनू को लेट हो रहा था, फिर भी मैंने उसको बोला अपना शू खुद ही पॉलिश करके पहन के जा, क्योंकि कभी कभी जो काम हम रोज़ करते हैं ना, लाइक कपड़े प्रेस करके रखना, पानी का बॉटल भर के देना, जूते पॉलिश करके रखना, ये सब चीज़ अगर ना करो ना तो अपने आप में ही गिल्टी फील होती है। बट नहीं, इसमें गिल्टी फील करने वाली कोई बात नहीं है, कभी कभी माँ को भी स्वार्थी बनना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ रेडी और 7:45 बज चुका है। एक्चुअली मोबाइल में चार्ज नहीं था, तो बिना मोबाइल के बाहर जाना अच्छा लगता है बोलो, तो इसलिए मोबाइल को चार्ज किया तो इतना लेट हो गया। सो चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी लेके आते हैं। आज तो गुरुवार है, साथ में आज पूर्णिमा भी है, राखी पूर्णिमा, तो आज पूजा भी करूँगी, फुल है लेकिन फिर भी थोड़ा सा माला वाला लेके आते हैं, अच्छा लगेगा। सो चलो मैं फटाफट जाती हूँ और ये बैग दे देती हूँ। आजकल बैग में पैसा होने के साथ साथ एक बैग भी रखना ज़रूरी होता है, पता है? और आजकल दुकान में ना बैग देते नहीं हैं, देते हैं तो 6 रुपया 10 रुपया करके ले लेते हैं। ये बालकनी से आके गिरा है सफेद।
हमारे इस पार्क के बगल में एक सब्जी वाला रोज थोड़ा बहुत सब्जी लेके बैठ जाता है। आज सोचा उससे कुछ सब्जी ले लूं, तो मैं यहाँ पे सब्जियाँ खरीद रही हूँ। पीछे देखो कौन चुपचाप खड़ा है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब सब्जी वगैरह। घर पे जितना भी सब्जी पड़ा हो, फिर भी आने जाने के टाइम पे सब्जियाँ देख लेती हूँ ना, तो पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं कुछ ना कुछ लेके आ ही जाती हूँ। पता नहीं ये आपके साथ भी होता होगा कि नहीं। वैसे आज आते आते एक बड़ा काम मैंने सॉल्व कर लिया। क्या बनेगा वो मैंने डिसाइड कर लिया। फ्रिज के अंदर ये कोचूर लोती पड़ा हुआ था, तो सोचा आज इसी को बनाऊंगी। ये काट लिया कोचूर लोती, ये देखो मम्मी का सिखाया हुआ नुस्खा। मम्मी ने ना बहुत बड़ा हेल्प कर दिया। पहले मैं इसको हटाती रहती थी, इतना टाइम लगता था। इसका जो छिलका है ना, इसको हटाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मम्मी ने ऐसा एक सहज सरल उपाय बता दिया। आप भी अगर कोचूर लोती बनाते हो ना, तो इसको चुराने में प्रॉब्लम होगी, ये मुश्किल होती है। इसका जो छिलका है देखो कैसे अटैच्ड है, तो बॉईल करने के बाद ये आसानी से खुल जाते हैं। मम्मी ने एक दिन, मैंने बोला मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है, और तभी मम्मी ने मुश्किल आसान कर दिया। थैंक यू माँ। अभी लंबे मोटे नाटे पतले सब तरह की जो कोचूर लोती है, अरे गिर गया, तो सब तरह की जो ये लोती है इसको मैं करूँगी बॉईल। एक सीटी, जस्ट एक सीटी। वॉशिंग मशीन ऑन और कर देंगे पूरा चालू। खचाखच भर चुका है आज मेरा वॉशिंग मशीन। और कोचूर लोती को हम जिस प्रोसेस में बनाते हैं, उसके लिए मस्टर्ड और खसखस की पेस्ट चाहिए होती है, और साथ में आज इल्शा फिश भी बनाऊंगी, उसके लिए भी ये चाहिए है। तो सोचा मसाला पीस ही लेती हूँ। और जब फ्रेश मसाला पीस के आप खाना बनाओगे, तो उस खाने का स्वाद अलग होगा, और पीस के अगर फ्रिज में रख दोगे एक दिन बाद बनाओगे, उसका स्वाद कुछ अलग होगा, ये मैंने देखा है। एक और बात बता दूँ, सरसों पेस्ट करने के वक्त उसके साथ कुछ ज़रूर मिला लीजिएगा, लाइक नमक हो सकता है, चिली हो सकता है, खसखस हो सकता है, अदरवाइज ये ना करवा हो जाता है। आज का मेनू तैयार, ये कोचूर लोती इर्शा हेड के साथ, और ये आलू भाजी, बैंगन भाजी, साथ में सोना मूंग का दाल, राइस है, और यहाँ पे बन रहा है इर्शा। और इसी के साथ आज का कुकिंग एंड होता है ब्लॉग में ही। वैसे हम बंगालियों के घर में जब तक इर्शा फिश रहता है, तब तक और कुछ खाना मतलब जचता नहीं है, लगता है इर्शा ही बनाते जाओ। और इस वक्त ना बारिश के सीज़न में इर्शा का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी इर्शा ले रहा है, सभी बोल रहे हैं बहुत टेस्टी है। तो ये बात, तो अभी किचन क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद बहुत सारा काम है। तो ये रहे राखियाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊँगी राखी मैं किसके लिए ले रही हूँ। पहला राखी तो मैं भगवान जी को बांधूंगी, एक तो इनके लिए। तो ये देखो गणपति जी को मैंने बांध दिया है मेरी वाली राखी। मैं हर साल इनके लिए ही राखी लेके आती हूँ, और इनके लिए। तो आज भगवान जी के लिए है ये बनाना, लेके आई हूँ मैं ये पीसा নিশি নির্মল আকাশ ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস লক্ষ্মীদেবী বামে পড়ি বসি নারায়ণ করিতেছে নানা কথা সুখী আলাপ পড়িলা কেন এ ঘোর বিপাকে অহংকার দোষী লক্ষ্মী ত্যাজিলেন মুখে বারান্দে মে কুছ কাগজ ফুল এসেই টুটে পড়ে থে ये मेरे बहुत दिल के करीब होते हैं ना, तो इसको ऐसे नहीं फेंक सके, तो सोचा कुछ इस तरह से सजा दूं। अच्छा लग रहा है ना अभी देखने में। फूल कौन सा भी हो, हमेशा खूबसूरती ही फैलाती है। देखो जहां भी आप रखो, जैसे भी आप रखो, खूबसूरत लगता है ना। ये आज का प्रसाद, मुझे लगता है मेरी तरह भगवान जी को भी बनाना खाना पसंद है। सो ये जो है ना तिल का लड्डू, ये बहुत यम्मी होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है वो इसलिए घुमा फिरा के मैं बनाना दे देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो ये है बात, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस वक्त बेंगलोर में। पता नहीं आपकी जगह पे दिल्ली में, बॉम्बे में और कोलकाता में तो गर्मी है, वो मम्मी से पता चल रहा है। बारिश भी हो रही थी,
तो इसलिए तबीयत भी खराब हो रहा है सबका। चलो कुछ देर बैठती हूँ, प्रसाद खा लेती हूँ। अभी प्रसाद खाया ना तो भूख नहीं लगती है, तो अभी कुछ देर बैठूंगी, फिर उसके बाद लंच करूंगी। उस कुछ देर बाद तो आनू आ ही जाएगी, देखते हैं। ये जो आज बना है ना, मैं अपने आपके हाथों में विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना टेस्टी बना है। बहुत टेस्टी बना है। राइस थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, गरम राइस के साथ और भी अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आनू को ये काटा बाटा पसंद नहीं है, वो बस ये नॉर्मल जो सब्जी होता है वो खाती है। तो आनू पहना रही है राखी, ये पुराना वाला राखी अभी तक है हाथ में, वो देख देख। डाइने हाथ में क्यों लगा रही है? डाइने हाथ में पहनते हैं क्या? मेरे को नहीं पता। हाँ, डाइने वाले हाथ में ही तो पहनेंगे ना, बाएं हाथ में क्यों लगा रही है? एक तो तुम्हें बोल दे इतने तो लगाना आज किसी भी हाथ में लगा ले। अरे तो शांति से लगाने दे। अच्छा ठीक है, हैप्पी राखी बोलो। हैप्पी राखी। पसंद आया राखी? पसंद आया है? यस बोल। यस बोला? अच्छा लग रहा है ना राखी, मेरे पसंद का है बट आनू ने पहना दिया। जरूरी नहीं है जो आप आंखों के सामने देख रहे हो वही सच है। नहीं, मैं अपनी वीडियो के बारे में नहीं बोल रही हूँ। कुछ भी अगर आप देख रहे हो तो उसको सच मत मान लो, उसको थोड़ा सा महसूस करना जरूरी है। इस वक्त आपको लग रहा होगा मैं कितने एनर्जी के साथ ये काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी शक्ल देख के पता चलेगा मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है। अच्छा गिफ्ट दिए गिफ्ट। हेलो दोस्तों, बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रही हूँ। एक्चुअली मेरे घर में एक भाभी रहती है, वो आई हुई थी और इवनिंग में आई थी और अभी कुछ देर पहले गई, तो भाभी बैठ के बातें कर रही थी और मैं कुछ देर के लिए बाहर भी गई थी। हमारे सामने एक टेंपल है ना, तो वहाँ पे लेके गई थी भाभी को और फिर पार्क में घुमाई। तो ये सब करते करते सोचा उस टाइम पे वीडियो भी नहीं किया और भाभी के साथ बातें करते करते टाइम भी स्पेंड हो गया, तो ये है बात। चलो आज का व्लॉग इसी के साथ मैं एंड करती हूँ और आपसे मिलूंगी कल एक नया और फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।